हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नव्या एजुकेटर। और आज हम सीखने वाले हैं उन कामों के बारे में जो हम रोज करते हैं। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू एवरी डे? व्हाट डू यू डू एवरी डे? तो आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोग रोज कौन कौन से काम है जो करते हैं। तो इसको मैं डेली रूटीन भी बोल सकता हूँ, वो काम भी बोल सकता हूँ जो हम रोज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन कामों की जो हम रोज करते हैं। कौन सा? जैसे सोकर रोज उठते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, गेट अप। रोज सोकर उठते हैं, है ना। हम रोज ब्रश भी करते हैं टीथ को, हम अपने दांतों को रोज साफ करते हैं, यानी हम नहाते भी रोज हैं, टेक बाथ, हम रोज नहाते हैं। और क्या क्या करते हैं? पूजा रोज करते हैं, हम वर्शिप रोज करते हैं। और क्या करते हैं? सोचो, हम रोज क्या क्या करते हैं? हम रोज कपड़े भी पहनते हैं, है ना, वेयर क्लोथ्स, वेयर क्लोथ्स, हम रोज कपड़े भी पहनते हैं। और क्या करते हैं? हम खाना रोज खाते हैं, ईट फूड, रोज खाना खाते हैं। पानी भी रोज पीते हैं, फिर तो ड्रिंक वाटर, पानी रोज पीते हैं। सोचते रोज हैं, ऐसा नहीं है कोई दिन ऐसा आज तक आई डोंट थिंक ये निकला होगा जिसमें हमने सोचा ना होगा। तो रोज सोचते भी हैं, ये बात भी पक्की है। तो थिंक, हम रोज सोचते भी हैं, बोलते भी रोज हैं, स्पीक, बोलते भी रोज हैं, रोज बोलते हैं, बातें भी करते हैं रोज, टॉक, है ना। सोते भी रोज हैं, ऐसा नहीं है नहीं सोते हूँ, स्लीप, लगभग रोज सोते हैं। चलते भी रोज हैं, वॉक, ठीक है। देखिए, वैसे तो दिन भर में हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना, जो रोज करते हैं, लेकिन जो मुझे इस समय याद आए हैं वो लगभग ये हैं जो काम हम रोज करते हैं। कौन कौन से? सोकर उठना, गेट अप, ब्रश करना टीथ और टेक बाथ, नहाना, वर्शिप करना, पूजा करना, वेयर क्लोथ्स, कपड़े पहनना, खाना खाना और पानी पीना, और थिंक, सोचना, स्पीक, बोलना, टॉक, बातें करना, स्लीप, सो जाना, और वॉक, चलना, फिर ये काम वो हैं जो हम रोज करते हैं, है ना। तो ये जो काम है वो रोज करते हैं, तो कैसे बोलना है? देखिए, तो बहुत आसान है। मैं रोज सोकर उठता हूँ, आई गेट अप एवरी डे। मैं रोज ब्रश करता हूँ, आई ब्रश टीथ एवरी डे। मैं अपने करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक बाथ एवरी डे। मैं रोज पूजा करता हूँ, आई वर्शिप एवरी डे। मैं रोज कपड़े पहनता हूँ, आई वेयर क्लोथ्स एवरी डे। मैं रोज खाना खाता हूँ, आई ईट फूड एवरी डे। मैं रोज पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक एवरी डे। मैं रोज सोचता हूँ, आई थिंक एवरी डे। मैं रोज बोलता हूँ, आई स्पीक एवरी डे। मैं रोज बातें करता हूँ, आई टॉक एवरी डे। मैं रोज सोता हूँ, आई स्लीप एवरी डे। मैं रोज चलता हूँ, आई वॉक एवरी डे। तो कितना आसान है रोज के कामों को बताना, आई ये करता है एवरी डे। अगर तुम करते हो तो कौन सा स्पेशल करते हो? तुम भी ये काम करते हो, राइट? अगर मुझे ये बोलना है कि तुम ये काम रोज करते हो, भाई मैं ये करता हूँ, आई थिंक आप भी ये करते होगे रोज। अगर मुझे कहना है कि तुम ये करते हो, देखो यू मतलब तुम, यू गेट अप एवरी डे, तुम भी रोज उठते हो। यू ब्रश टीथ एवरी डे, तुम भी ब्रश टीथ करते हो रोज। यू टेक बाथ एवरी डे, तुम भी रोज नहाते हो। यू वर्शिप एवरी डे, तुम भी वर्शिप करते हो रोज। हाँ, यू ऑल्सो वेयर क्लोथ्स एवरी डे, तुम भी रोज कपड़े पहनते हो। यू ऑल्सो ईट फूड एवरी डे, आप भी रोज खाना खाते हो। You also drink water every day. तुम भी पानी पीते हो रोज। हाँ, also मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। You think, तुम भी तो सोचते हो every day, रोज सोचते हो। You speak, तुम भी रोज बोलते हो। You talk, तुम भी रोज बातें करते हो। You sleep, तुम भी सोते हो। And you also walk, आप भी चलते फिरते हैं। इतना आसान होता है ये बोलना कि तुम ये करते हो, मैं ये करता हूँ, है ना। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि भाई तुम कैसे करोगे। आई गो यू गो, मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो तो यू गो। अच्छा, हम सब जाते हो तो वी, हम उठते हैं वी गेट अप, हम ब्रश करते हैं वी ब्रश टीथ, हम बात करते हैं वी बात, हम वर्शिप करते हैं वी वर्शिप। तो कॉन्क्लूजन क्या है? कॉन्क्लूजन ये है
कि जब भी हमें ये बताना होता है कि हम ये बात करते हैं रोज़, तो हमें कुछ नहीं बोलना, सिर्फ अपना अपने बारे में बोलना है या जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसके बारे में बोलना है, और उसके साथ एक एक्शन बोलना है जो वो करता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं ताकि जो हमारी स्पीकिंग है वो इंग्लिश टू इंग्लिश हो जाए, हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल ना हो। देखिए, सेंटेंस छोटा सा है, आई ये करता एवरी डे। क्या करते हो? मैं रोज खाना खाता हूँ, आई ईट फूड एवरी डे। मैं रोज गाना गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग एवरी डे। मैं रोज जाता हूँ, आई गो एवरी डे। मैं रोज आता हूँ, आई कम एवरी डे। मैं रोज सोचता हूँ, आई थिंक एवरी डे। देखिए, जरूरी नहीं कि रोज सोचते हो, है ना, हो सकता है कभी कभी सोचते हो। तो अगर रोज नहीं सोचते हो तो आई ये करता हूँ। मैं रोज सोचता हूँ, आई थिंक एवरी डे। मैं सिर्फ सोचता हूँ, आई थिंक। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं आता हूँ, आई कम। रोज आता हूँ तो आई कम एवरी डे। मैं बात करता हूँ, आई टॉक। मैं रोज बात करता हूँ, आई टॉक एवरी डे। मैं भागता हूँ, आई रन। मैं रोज भागता हूँ, आई रन एवरी डे। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं रोज सोचता हूँ, आई थिंक एवरी डे। तो इस तरह से आप अपनी स्पीकिंग को रोज वाले काम भी बताएं। नॉर्मली करते हो तो बता दो। आप क्या करते हो? लाइक करते हो? यस, आई लाइक योर वीडियो। शेयर करते हो? यस, आई शेयर योर वीडियो। सब्सक्राइब करते हो चैनल को? यस, आई सब्सक्राइब योर चैनल। रोज करते हो लाइक वीडियो को? हाँ, आई लाइक वीडियो एवरी डे। सो वीडियो रोज कैसे लाइक करोगे? एक ही बार कर सकते हो, वंस। यू कैन जस्ट वंस लाइक माय वीडियो। ओके, आगे चलो। तुम ये रोज करते हो, यू डू दिस वर्क एवरी डे। तुम ये काम रोज करते हो, मतलब तुम रोज गाना गाते हो, यू सिंग सॉन्ग एवरी डे। यू सिंग सॉन्ग एवरी डे। तुम रोज खाना खाते हो, यू ईट फूड एवरी डे। तुम रोज बातें करते हो, यू टॉक एवरी डे। तुम रोज इरेज करते हो, यू इरेज एवरी डे। तुम रोज सोचते हो, यू थिंक एवरी डे। तुम रोज भौंकते हो, यू बार्क एवरी डे। सो यू नो, आप जो भी काम रोज करते हो, तुम ये करते हो तो यू ये करते हो। अच्छा, रोज नहीं करता ये तो यू ये करते। तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड। तुम रोज खाना खाते हो, यू ईट फूड एवरी डे। तुम स्कूल आते हो, यू कम टू स्कूल। तुम रोज कम रोज स्कूल आते हो, यू कम टू स्कूल एवरी डे। तुम नहाते हो, यू टेक बाथ। तुम रोज नहाते हो, यू टेक बाथ एवरी डे। अच्छा, तुम मुझसे बातें करते हो, यू टॉक टू मी। तुम मुझसे रोज बातें करते हो, यू टॉक टू मी एवरी डे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि भाई आप ये करते हैं, वो ये करता है, हम ये करते हैं, नॉर्मल सी चीज। अच्छा, हम की बात करें, हम सब की, हम सब ये काम रोज करते हैं, है ना। जैसे क्या क्या करते हैं? हम रोज ब्रश करते हैं, वी ब्रश आवर टीथ एवरी डे। रोज ब्रश करते हैं। हम सब रोज नहाते हैं, वी टेक बाथ एवरी डे, नो प्रॉब्लम, है ना। हम सब रोज यू नो कपड़े पहनते हैं, वी वियर क्लोथ्स एवरी डे। सब पहनते हैं। हम सब रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, वी लर्न एवरी डे। रोज सीखते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो रोज नहीं करते हैं, तो वी ये करते हैं। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। रोज खाना खाते हैं, वी ईट फूड एवरी। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम रोज जाते हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम रोज खेलते हैं, वी प्ले एवरी डे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कौन क्या करता है, या हम क्या करते हैं, या तुम क्या करते हो, ये बता सकते हैं। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस मैं आपको समझा देता हूँ, स्पीकिंग के लिए बेटर रहेगा, ग्रामर भी ठीक रहेगी, और यू नो आपकी ग्रामर भी ठीक होगी और स्पीकिंग में भी कमांड आएगी। अभी सीख लीजिए, काम आएगा। देखिए, हमेशा जब दूसरों की बात की जाती है, जब किसी ने कुछ कहा किसी से, तो जब भी दूसरों की बात की जाती है तो कुछ ना कुछ बढ़ावा यू नो चढ़ावड़ा के बात करते हैं। जैसे यू नो उसने कहा कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तो मान लीजिए थर्ड पर्सन उसे बता रहा कि वो पता है उसने क्या कहा, यार उसने कहा कि तुझे इतना मारेगा ना कुत्ता बना देगा। तो यू नो बात वही होती है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। तो जब भी हम दूसरा मतलब सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, कोई भी सिंगुलर मतलब अकेले आदमी को तो कोई भी दाब लेता है ना, तो सिंगुलर आदमी के लिए, अकेले के लिए हम जब भी बात करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे। मतलब जो एक्शन है
उसमें कुछ बढ़ा देंगे क्या, या तो एस बढ़ा देंगे या सी एस। तो फिलहाल एक बात याद रखें, आप क्योंकि इंग्लिश बोलने का कोर्स कर रहे हैं, आप ग्रामर नहीं सीख रहे, तो आपको ज़रूरत नहीं है एस लगाना है या ई एस लगाना है, आपको सिर्फ एस की आवाज़ देनी है। जैसे गो है तो गोज बोलना है, जंप है तो जंप्स बोलना है, डांस है तो डांसेस बोलना है, और अवॉक है तो अवॉक्स बोलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखें। तो सिंगुलर कौन होता है, ही होता है या शी होती है, या तो ही होता है या शी होता है। तो ही ये करता है एवरी डे, शी ये करती है एवरी डे। वो रोज नाचता है, तो नाचने को डांस बोलते हैं, लेकिन हमें डांस नहीं बोलना, दूसरा है ना, अकेला है, डांसेस बोलेंगे, ठीक है। ही डांसेस एवरी डे, यू नो, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या थोड़ा दिमाग लगा लो यार, हर जगह थोड़े ना ऐसा चलेगा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और ट्राई करना है कि आपके जो फ्लुएंसी उसमें आ जाए, आपकी हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। चलिए, वो रोज नहाती है, शी टेक्स बाथ एवरी डे। वो रोज मंदिर जाती है, शी गोज टू टेम्पल एवरी डे। वो रोज नाचती है, शी डांसेस एवरी डे। वो रोज स्कूल आती है, शी कम्स टू स्कूल एवरी डे। वो रोज भागता है, ही रन्स एवरी डे। वो रोज पढ़ता है, ही स्टडीज एवरी डे। वो रोज इरेज करता है, ही रेजेस एवरी डे। वो रोज सोचता है, ही थिंक्स एवरी डे। तो इस तरह से आप ये सेंटेंसेस बोलेंगे। और अगर बात की जाए, वो ये करता है तो ही ये करता, वो ये करती। वो जाता है, ही गोज। वो जाती है, शी गोज। वो नहाता है, ही टेक्स बाथ। अगर वो नहाती है तो शी टेक बाथ, टेक टेक्स बाथ, सॉरी। तो इस तरह से आप अपनी फ्लुएंसी में लें, इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे एक ही बात बोलूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें, तो उसके बाद 2 या 3 दिन का आप वेट करें, एकदम से सारी वीडियो ना देखें। सारी वीडियो देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी इसको सिलेबस को कवर करेंगे, तो अवर टारगेट इज़ नॉट टू कवर ऑल द सिलेबस, जस्ट नॉट टू वॉच ऑल वीडियोज ऑफ माइन, यू नो, यू योर मोटो शुड बी, योर टारगेट शुड बी टू लर्न हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम मी, यू नो, आप कितना मुझसे सीख सकते हैं, आपको यू नो ये सीखना है। आप वेट कीजिए ना वीडियो का, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखो, जल्दी कोई नहीं है, 1 महीने में सीख जाओगे, 15 वीडियो देखोगे गारंटी आ जाएगी, यू नो। फिर आपको प्रैक्टिस में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्लुएंसी कोर्स कर लेना, यू नो, वो भी अवेलेबल है। तो आप पहले ये सीखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार वीडियो देख लोगे तो कर ही दोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी करो कोई बात नहीं है, सीख लो, मेरा टारगेट है सीखना, कोई सब्सक्राइब की भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसी बात है तो कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जैसा भी लगाओ कमेंट कर दें, जैसी वीडियो लगी हो, नहीं आया समझ में तो भी कमेंट कर दें। धन्यवाद।